नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। हमारे आज के कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की। इसबगोल को पेट के लिए अमृत कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये गुड क्वालिटी फाइबर है। इससे अच्छी क्वालिटी का फाइबर दुनिया में दूसरा नहीं है। इसमें अगर हम 5 ग्राम इसबगोल लें तो इस 5 ग्राम इसबगोल के अंदर 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है। दैट इज़ द बेस्ट फाइबर इज नेचुरल फॉर्म। दुनिया में इससे अच्छा पेट के लिए और दूसरा कोई फाइबर नहीं है। दोस्तों, इसबगोल की भुस्सी के बारे में एक और रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। ये इसबगोल आंतों में खुद एब्जॉर्ब नहीं होती, ये हमारे पेट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि हमारी आंतों में जो गंदगी है, हमारी आंतों में जो टॉक्सिन्स हैं, जो ख़राब केमिकल्स हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी उस सारी गंदगी को, सारे टॉक्सिन्स को अपने अंदर सोख लेता है और फिर स्टूल को बल्कि करके उन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इसबगोल की भूसी के रूप में प्रकृति ने ये हमें बहुत अच्छा उपहार दिया है, क्योंकि ऐसे बहुत कम फूड दुनिया में हैं जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जिन्हें हर एक पेशेंट, हर एक आदमी, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी ले सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में पेट के लिए जितनी भी दवाइयाँ हैं, या तो वो कॉन्स्टिपेशन करेंगी या लूज मोशन करेंगी, तो हम उन्हें कॉन्स्टिपेशन के लिए लेंगे या लूज मोशन के लिए लेंगे, लेकिन इसबगोल मात्र एक ऐसी औषधि है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन में भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है और लूज मोशन को भी ठीक करती है, इसलिए ही मैं इस औषधि को प्रकृति का उपहार कह रहा हूँ। दोस्तों, इसबगोल पर कुछ क्लिनिकली रिसर्च हुई हैं जो 100% साइंटिफिक हैं, उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसबगोल काम करता है आपके दिल की बीमारियों में। अगर किसी व्यक्ति को एक बार दिल का दौरा पड़ गया है, उसका दिल कमज़ोर हो गया है, उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन रहती है, या किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, छाती में भारीपन रहता है, छाती में जकड़न रहती है और जलन सी छाती में बनी रहती है, या किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है जिसकी वजह से उसकी सांस फूलती है, छाती में भारीपन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को रोज़ इसबगोल की भूसी का सेवन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हल्के गर्म पानी में सोने से 15 मिनट पहले 1 चम्मच इसबगोल की भूसी डाल के उसे पी लें तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उनकी चेस्ट में हल्कापन आएगा, दर्द कम होगा, जलन कम होगी और हार्ट पेशेंट इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं पेट की समस्याओं के लिए। अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, पेट में जलन रहती है, तो आपको इसबगोल को सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहिए। 1 चम्मच इसबगोल, 1 चम्मच शहद और 1/2 नींबू, ये सब एक जगह मिला के अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लेंगे तो आपकी एसिडिटी को ये दूर करेगा। अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद एसिडिटी बन जाती है, तो इस तरह इसबगोल को लगातार 15 दिन तक लेने से आपकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो ऐसे में आपको इसबगोल को सोने से 10-15 मिनट पहले गर्म दूध या गर्म पानी के साथ 2 चम्मच डाल के पीना चाहिए। कब्ज के पुराने पेशेंट भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी आंतों पर कोई भी बुरा असर नहीं डालेगा। जैसे आप बाज़ार से लैक्सेटिव लेते हैं, चूर्ण लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, उनका आपकी आंतों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप इसबगोल को इस्तेमाल कीजिए, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लूज मोशन की। अगर आपके पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो लूज मोशन को ठीक करने के लिए इसबगोल को 1 चम्मच छाछ या दही के साथ में लेना चाहिए। अगर आप 1 गिलास छाछ में 1 चम्मच इसबगोल डालकर पी लेते हैं तो लूज मोशन में तुरंत ही आराम मिलता है और 2-3 बार लेने से लूज मोशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसबगोल की भूसी को आप वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है, इसलिए आपके पेट में फाइबर अच्छा जाएगा, आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आपका वजन कम करने में ये बेहद मदद करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फाइबर लेते हैं उतना कम हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। इसमें फाइबर की बहुत अच्छी क्वालिटी होने की वजह से ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। फाइबर, जब हम अच्छी क्वालिटी का फाइबर लेते हैं तो उससे हमारे शुगर का लेवल भी कम होता है, क्योंकि इसबगोल के अंदर कैलोरी तो कोई होती नहीं है, बिना कैलोरी का होता है, बिना कार्बोहाइड्रेट का होता है, केवल और केवल शुद्ध फाइबर इसके अंदर है, इसलिए शुगर पेशेंट को ज़रूर इसबगोल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।
दोस्तों इसबगोल के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप इसको खाने के साथ में लेते हैं, यानी कि अभी अभी आपने खाना खाया है और तुरंत उसके साथ में आपने इसबगोल ले लिया, तो ये आपको इनडाइजेशन कर सकता है, आपके पेट में ब्लोटिंग कर सकता है, गैस बना सकता है। इसलिए आपको इसबगोल को खाने से कम 1-1.5 घंटे के बाद में ही लेना चाहिए। अगर खाने से पहले लें तो 1-1.5 घंटा पहले लें, अगर बाद में लेना चाहते हैं तो 1-1.5 घंटा बाद में लें। इसलिए खाने के साथ में इसे बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों इस प्रकार इसबगोल सभी के लिए सेफ है और सभी इसको ले सकते हैं, चाहे किसी को बीमारी हो या ना हो, क्योंकि ये आपके पेट को ठीक रखेगा, आपके पेट को स्वस्थ रखेगा। तो इसी छोटी सी जानकारी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।